खबरदार जो हाथ भी लगाए बोर्ड को तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। आज से तेरा सोसाइटी में सुविचार लिखना कैंसर। देखता हूँ ना। अरे क्या कैंसर? खड़े क्यों नहीं रहते हो तुम यार? अरे भाई मैं तो रहना चाहता हूँ, कोई रहने दे तब ना। गुंगरू की तरह बचता ही रहा मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। यही तो चल रहा है इस जग में। वाह वाह माता साहब वाह। मैंने क्या वाह क्या वाह? अच्छा बोला पग जग। बिड़ा तेरा सुविचार मिटा दे। तेरे सुविचार की वजह से चाचा जी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अरे चुप हो जा भाई पोपट, चुप हो जा। अरे मैंने क्या बोला और तू क्या समझ रहा है? बेकार में झगड़ा क्यों कर रहा है भाई? लेकिन चाचा जी। अरे चुप हो जा भाई, मेरी बात सुन। देख ये जो लिखा है उसका मतलब ये है कि जब परिवार में पत्नी मौजूद होती है तब वो नमक की तरह होती है। अभी तेरे घर में भले ही तेरी पत्नी ना हो लेकिन तेरे दिल में तेरे दिल की रानी तो है ही ना। उसकी कल्पना, उसके सात रंग के सपने, उसके लिए उत्सुकता, यही तेरी जिंदगी का नमक है जो तेरी जिंदगी को कभी भी फिक्री नहीं होने देगी। वाह वाह चाचा जी, की गल गई है तुसी। माना की दया बहू आज नहीं है लेकिन कभी ना कभी तो वापस आ ही जाएगी ना। लेकिन तब तक ये बिटिया भी अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से ही जी रहा है ना। उसकी जिंदगी में तुम जैसे दोस्तों की दोस्ती है, उसकी दुकान है, यही इसकी जिंदगी का नमक है जो उसकी जिंदगी को फिकी नहीं होने देती है ना जेठिया। हाँ हाँ बापूजी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी महान मकसद के लिए समर्पित हो जाते हैं और शादी नहीं करते। वो अपने मकसद के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, लेकिन वही उनकी जिंदगी का नमक होता है। बिल्कुल सही कहा चाचा जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से अपनी खुशी से विवाह नहीं करते। हाँ और पोपट बेटा रही बात मेरी, तो मेरी जिंदगी भी फिकी नहीं है। मेरी जिंदगी में तुम सब लोगों का प्यार है, जेठिया है, कपू है, बहू है, और जेठिया की माँ की यादें तो है ही ना। और यादें भी ऐसी जो मुझे कभी भी उसकी कमी महसूस नहीं होने देती, हमेशा साया बन के मेरे साथ ही रहती है, संगीत बन के मेरे कानों में गूंजती रहती है, मुझसे बातें करती हैं, मुझे टोकती है, डांटती है, दिल खोल के मुझे हंसाती है, और कभी कभी मन ही मन में मुझे रुलाती भी है। लेकिन यही मेरी जिंदगी का नमक है, इसलिए मेरी जिंदगी भी फीकी नहीं है, समझा? बापू जी, हाँ सॉरी भिड़े, ये सुविचार अपने आप में सही है लेकिन इसमें चाचा जी ने अभी जो बात कही ना उसे जोड़ देने की जरूरत है। सही कहा तुमने पोपटलाल। चाचा जी आपकी बात 100% सही, और आप ही के विचारों को मैं शब्द दे देता हूँ और एक नया सुविचार गढ़ लेता हूँ। भिड़े जो तुमने पहली दो पंक्तियां लिखी वो बिल्कुल ठीक है लेकिन उसके बाद चाचा जी जो आपके विचार है उन्हें मैं अपने शब्द दूं तो यूं कहूंगा कि अकेला पर हमें क्यों करता है निराश, मिलती है खुशियां जैसे फागुन में खिले पलाश। अरे हमारी जिंदगी को लज्जतदार या फीका हम ही तो बनाने वाले हैं, जिंदगी के चित्र में हम ही खूबसूरती लाने वाले, तो क्यों ना बने हम स्वयं ही अपने जीवन के चित्रकार, क्योंकि ईश्वर ने दिए हैं इस जीवन में रंग हजार। मैं इस सुविचार को मैं अपने हाथों से लिखूंगा। लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। वाह 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 मस्ता। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू आज मुझे फिर से प्रेरणा देने के लिए। और मेहता साहब आपको भी बहुत बहुत थैंक यू इस सुंदर सुविचार को और सुंदर बनाने के लिए।
और भिड़े भाई सच में सॉरी, मैंने तुझे बहुत भला बुरा कहा। कोई बात नहीं पोपट्टा, होता है। भिड़ो अपने पप्पू की बात दिल पे मत लेना, पत्नी की बात आती है ना तो वो भावुक हो ही जाता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैंने भी सुविचार लिखते वक्त कुमारों के बारे में नहीं सोचा। की गल है भाई, वो चाचा जी तो एकदम थर्ड अंपायर निकले, इनका फैसला एकदम सही निकला और उन्होंने पप्पू को भी खुश कर दिया। देर आए पर दुरुस्त आए। तेरी वो देर से याद आया, मैंने तो गैरेज जाने में ऑलरेडी देर हो रही थी। तो चले जा रहो, मैं गैरेज के लिए निकल रहा हूँ, तुम में से किसी को छड़ना कितने। चलो सुविचार तो लिख के हो गया, अभी सुविचार के बदले में जो घर पे इनाम मिलने वाला है वो मेरा वेट कर रहा होगा। माधवी माधवी, पत्नियों पर सुविचार लिख दिया है, सबको बहुत अच्छा लगा, खास करके चाचा जी ने बहुत तारीफ की। मैंने बोला था ना बेस्ट ही सुविचार रहा। हाँ तो अभी मेरा इनाम। हाँ हाँ मिलेगा ना, मैंने बोला है तो आपको मिलेगा ही। एक मिनट। हाँ वहाँ कहाँ जा रही हो? आपका इनाम। देखा बस, तो पेकी गर्मा गर्म कोथिंबीर पड़ी। इनाम माधवी ये सरासर चीटिंग है, मैंने इस इनाम की बात नहीं की थी। मैं तो इसी इनाम की बात कर रही थी। आप किस इनाम की बात कर रहे थे? माधवी मैं किस इनाम की बात कर रहा था? आप नाश्ता कर लीजिए ना, और हाँ गोगी को जाकर बता दीजिए कि कॉलेज जाने से पहले यहाँ से टिफिन लेके जाए सोनू के लिए। हाँ नहीं तो फिर मैं पहले जाके बोल के आता हूँ, बाद में खा लूंगा, लेकिन मैं इनाम लेकर रहूंगा माधवी। यहाँ तो ताला लगा हुआ है, कहाँ गया होगा ये? फोन करके पूछता हूँ। ओहो फोन तो घर पे ही है। अरे माधवी, ए माधवी। हाँ? गोगी घर पे नहीं है, ताला लगा हुआ है, कहाँ गया होगा वो? माला का मैं थे, फोन करके पूछे ना। फोन करने वाला था लेकिन फोन यहाँ भूल गया था ना मैं। हाँ। क्या डब्बू आज का क्या प्लान फिर? बस आज एक मस्त फिल्म लगी तो वही देखने जाने की सोच रहा हूँ। फ्रेंड्स मैं क्या कहता हूँ, सब साथ में चलते ना, मजा आएगा। अरे यार कहाँ है यार डब्बू, इम्पोर्टेंट लेक्चर आज तो अटेंड करना ही पड़ेगा। अरे सेम बीन्स, मेरा भी, मैं भी नहीं आ पाऊंगा। हाँ भाई इवन आई एम आउट। अरे एक मिनट, किसी का फोन आया। अरे भिड़े अंकल का है। गुड मॉर्निंग भिड़े अंकल। हाँ गुड मॉर्निंग गोगी बेटा, कहाँ हो तुम? कॉलेज में हो। तुम कॉलेज पहुंच भी गए? क्यों? पढ़ाई करने। अरे मीडियम सोड़ी, मुझे पता है तुम कॉलेज में पढ़ाई करने जाते हो, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम्हारा लेक्चर लेट था ना आज, तुम लेट जाने वाले थे ना? हाँ मेरा अभी लेक्चर नहीं था तो सोचा यारों दोस्तों के साथ फ्री लेक्चर में मस्त मौज मस्ती करूं, इसलिए आ गया। तुम कॉलेज में मस्ती करने जाते हो कि पढ़ाई करने जाते हो? मीडियम अंकल फ्री लेक्चर है, डांट क्यों रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। लेकिन भिड़े अंकल आपको मुझसे काम क्या था? वो सोनू के लिए कुछ भेजना था, लेकिन अब कोई बात नहीं, देखता हूँ मैं, चलो बाय। ओके ओके बाय भिड़े अंकल। देख टप्पू, कॉलेज टाइम पे तूने मूवी देखने की बात की और भिड़े अंकल का कॉल आ गया। अरे अरे भिड़े अंकल का कॉल ही आया ना, भिड़े अंकल खुद थोड़ी ना यहाँ पर है। क्या करेंगे अभी, वो तो कॉलेज चला गया, अभी सोनू इंतजार करेगी टिफिन का। हो तो कोई बात नहीं ना, मैं जाकर देके आता हूँ। हाँ चांगला है, तुम जा। कॉलेज पहुँचने के बाद आप सोनू को फोन कर देना, वो बाहर आके टिफिन ले लेगी। कॉलेज के बाहर से क्यों, अंदर जाके भी दे सकता हूँ टिफिन। नहीं पर आजकल के बच्चों को अच्छा नहीं लगता पेरेंट्स कॉलेज में आए। अरे ऐसा थोड़ी होता है माधवी, मैं कहा उसके साथ लेक्चर अटेंड करने वाला हूँ, टिफिन देके निकल जाऊंगा, इस बहाने पता तो चलेगा कॉलेज में चल क्या रहा है। अरे बाबा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप तैयार हो जाइए। हो गया। अहो मेंटली नहीं फिजिकली बात कर रही हूँ। मैं तैयार ही हूँ माधवी। आप ऐसे ही जाएंगे कॉलेज? क्यों इन कपड़ों में क्या खराबी है? नहीं ये कपड़े अच्छे ही है, लेकिन ये कैसे सोसाइटी या मीटिंग या मतलब कहीं डिलीवरी के लिए वगैरह ठीक है, पर कॉलेज जा रहे हैं ना आप, और वो भी सोनू के कॉलेज, तो आपके जमाने की नहीं आज के जमाने के कपड़े पहन के जाइए। ठीक है मैं कपड़े चेंज करता हूँ, लेकिन कपड़े सिलेक्ट करने में तुम मेरी मदद करना, बाद में तुम ही बोलोगी हेच का घातले नहीं तेच का घातले, कळलं? चल 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 मदद कर माला। हाँ मस्त है ना,
तो आपके जमाने के कपड़े लग रहे हैं। नहीं 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 सांगले, चेंज कीजिए। ये परफेक्ट है ना? शादी में जा रहे हैं आप, चेंज कीजिए। आप परफेक्ट है कि नहीं? काय परफेक्ट है, ये कॉलेज में टिफिन देने जा रही हो, खुद के लिए एडमिशन लेने, चेंज करो चेंज करो। हाँ चालेल माधवी। नहीं मस्त है, मौका एकदम परफेक्ट जाता है। हाँ नसीब, मुझे ऐसा लगा कि आज मेरा फैशन शो चलता ही रहेगा। नहीं नहीं इच्छा नहीं। अच्छा अभी आप नाश्ता कर लीजिए, मैं सोनू के लिए टिफिन रेडी कर देती हूँ। ओके चल। हाँ आओ टिफिन रेडी है। ये क्या, दो दो टिफिन? हाँ एक सोनू के लिए और एक टप्पू सेना के लिए। हाँ चल कोई बात। हाँ हाँ हो गया हो गया हो गया, एक मिनट एक मिनट। हो गया हो गया। साहब ओहो चल गए तुम। हाँ अच्छा वीडियो मास्टर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या बात है पैंट शर्ट में? हाँ वो जरा ऐसे ही। इतने सज धज के कहाँ जा रहे हो? दोनों के कॉलेज जा रहा हूँ। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ वो थोड़ा इत्र लगाया ना इसलिए। नहीं बड़े मास्टर, वो इत्र वाली खुशबू नहीं, खाने वाली खुशबू की खुशबू आ रही है, कोथम्बीर वड़ी। बड़े मास्टर, इस डब्बे में माधवी भाभी के हाथों की बनी हुई कोथम्बीर वड़ी है ना? आतिफ भाई मानना पड़ेगा आपके इस हुनर को, कमाल है आप। कैसे पता चल जाता है आपको? खुशबू से मेरे लिए गोकुलधाम के हर घर की खाने की खुशबू तुम्हारी तरह है। मेरी तरह मतलब? तुम्हारी तरह यानी एक दोस्त की तरह, और एक दोस्त को कौन नहीं पहचानता, इसलिए मैंने पटक से पहचान लिया कि ये कोथमीर वड़ी है। बिल्कुल सही पहचाना आपने आती भाई, माधवी ने खास सोनू के लिए कोथमीर वड़ी बनाई है। अच्छा तो यही तेरे कॉलेज जा रहे हो? हाँ। वैसे मानना पड़ेगा खुशबू बहुत ही बढ़िया है। अभी आपको चखाता हूँ। अरे नहीं नहीं इट्स ओके। अरे क्या इट्स ओके आती भाई, अरे दो दो डिब्बे भर के कोथमीर वड़ी है, कोई टेंशन नहीं है। ये लो। बहुत मस्त बहुत मस्त। तो पूरा डब्बा ले लीजिए आप। नहीं कितना ठीक है। माधवी भाभी के हाथ की बनी हुई कोथमीर वड़ी तो वाह मजा आ गया। अब अभी घर पे है ना आती भाई, मैं माधवी को फोन करके बोलता हूँ, वो आपके घर पे भेज देगी कोथमीर वड़ी। हाँ अरे वाह वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू क्या इसमें? हाँ चलो मिलते हैं। हाँ चलो चलो बाय बाय बाय। रुको 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 रुको, क्या हुआ अंकल? ट्रैफिक के नियमों का भंग क्यों कर रहे हो? हेलमेट क्यों नहीं पहना? आप ट्रैफिक पुलिस है क्या? कैसी बात कर रहा है यार, वो लोग तो यूनिफॉर्म में होते हैं ना। पर क्या पता यार यहाँ पर भेष बदल कर खड़े हो। देखो मैं ट्रैफिक पुलिस नहीं हूँ, लेकिन भारत का एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि हेलमेट क्यों नहीं पहना। अंकल इतने अच्छे बाल बनाए, हेयर स्टाइल खराब हो जाएगी ना। वाह बेटा वाह, बालों की स्टाइल ना बिगड़े इसलिए अपनी सेफ्टी के साथ समझौता। माँ बाप ने तुम्हें ये बाइक स्टाइल मारने के लिए नहीं दी है, तुम्हारी सुविधा के लिए दी है। भगवान न करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो माँ बाप के दिल पे क्या बीतेगी, कभी सोचा तुमने? देखो बेटा मैं तुम्हें अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, हेलमेट पहन लो। अंकल सही कह रहे हैं, पहन लो हेलमेट। सॉरी। क्या बात है। थैंक यू अंकल। ओके बेटा थैंक यू। हाँ बाय बाय। देखो भाई क्या कर रहे हो, काय चाललंय काय? कॉलेज है कि पिकनिक स्पॉट, इसमें शिस्त नाम की चीज ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में विद्यार्थियों में कैसे शिस्त हुआ करती थी, लेकिन इन्हें देखो। अच्छा है मेरी सोनू इनके जैसी नहीं है, वो कॉलेज में पढ़ाई करती है। अरे बेड़े साहब। नमस्कार आत्माराम साहब,
नमस्कार। पहचाना? सॉरी ठीक से याद नहीं आ रहा है। कौन? मैं गणेश, इस कॉलेज में पियोन हूँ। मेरा बेटा तुषार आपके पास पढ़ने आता था। तुषार? हाँ तुषार देशपांडे, याद आया। वो तो मेरा बहुत ही होनहार स्टूडेंट था। वो होनहार था आपकी शिक्षा की वजह से। वो आपके पास ट्यूशन पढ़ा, इसके लिए उसे अच्छे नंबर आए और उसे इस कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन मिला। अरे वाह, जहाँ उसका बाप पियोन है यहाँ भी वो पहला नंबर लाता है। ओहो, अरे तुषार इकड़े। नमस्ते बेटे सर, कैसे हो आप? अरे मैं मस्त हूं तुषार, तुम कैसे हो? एकदम बढ़िया सर। वाह, कॉलेज में तुषार जैसे होनहार स्टूडेंट्स भी है। बाबा ने बताया अभी कि कॉलेज में भी तुम फर्स्ट नंबर ला रहे हो। सुनकर बहुत अच्छा लगा बेटा, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही मेहनत करते रहना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ किसी काम से आए थे? हाँ, मेरी बेटी सोनू, सोनाली का भिड़े, वो इसी कॉलेज में पढ़ती है आर्ट्स फैकल्टी में। ये आर्ट्स की क्लासेस कहाँ पे होती है? आर्ट्स की क्लासेस फर्स्ट फ्लोर पे साहब। अच्छा, यहाँ से जाना है? हाँ। ओके, चलो मिलते हैं। नमस्कार, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। क्लास तो पूरी खाली हो गई, तो सोनू कहाँ गई? Excuse me. जी अंकल। Myself सोनू's father, सोनाली का भिड़े। जी हाँ अंकल। सोनू इसी क्लास में पढ़ती है ना? जी। तो वो दिखाई नहीं थी। अंकल लगता है आज वो कॉलेज नहीं आई है। क्या बात कर रही हो, वो बिल्कुल कॉलेज आई है। तो हो सकता है वो लेक्चर बंक करके कैंटीन गई हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, सोनू मेरी सिर्फ बेटी नहीं है, मेरी स्टूडेंट भी है। वो अपना लेक्चर बंक करके कैंटीन में टाइम पास कर ही नहीं सकती। क्या कुछ भी बोल रही हो आप। सॉरी अंकल, मुझे लगा अगर वो क्लास नहीं आई है तो कैंटीन ही गई होगी। अच्छा अच्छा, ओके। भाई सच में सोनू लेक्चर बंक करके कैंटीन में टाइम पास तो नहीं कर रही है? अगर ऐसा है तो आज उसकी खैर नहीं, अभी जाके देखता हूँ। पूरा ध्यान मोबाइल में ही है, सॉरी भी नहीं बोला। कमाल है, कैंटीन में तो दिख नहीं रही है सोनू। ओ अच्छा, अंदर भी है। सोनू ये तो सच में लेक्चर बंक करके यहाँ बैठी है। सोनू लेक्चर बंक कर। एक्सक्यूज मी, सॉरी सॉरी, मुझे लगा मेरी बेटी यहाँ बैठी है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कमाल है, सोनू कैंटीन में नहीं है, क्लास में नहीं है, तो गई कहाँ? अरे नहीं गोली, सच में बीड़े अंकल है। वो देख, हाँ यार, बीड़े अंकल है। फोन क्यों नहीं लग रहा है इसका? आसान सा प्रश्न है मित्रों, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति कौन, सबसे धनवान कौन? जवाब हो सकते हैं जिसके पास बहुत बड़ा खजाना हो, जिसके पास बहुत धन हो, जिसके पास हीरे जवाहरात हो, लेकिन जवाब कुछ और है। मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति वह जो एक पुत्री का पिता हो, एक बिटिया का पिता हो, क्योंकि पुत्री लक्ष्मी का स्वरूप होती है, साक्षात लक्ष्मी, तो उससे धनी कौन? लेकिन यही पिता बड़ा ही चिंतातुर हो जाता है जब बिटिया से संपर्क न हो पाए, जब उसे यह पता न हो कि इस वक्त वो कहाँ है। यही हुआ है भिड़े के साथ। भिड़े इस वक्त बड़ा ही चिंतित है क्योंकि सोनू कॉलेज के लिए निकली थी घर से, लेकिन कॉलेज में नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहाँ है सोनू। भिड़े पागलों की तरह से ढूंढ रहा है, अब सोनू कॉलेज में ही है या कॉलेज के बाहर है, भिड़े किस तरह से ढूंढेगा? हर सवाल के जवाब मिलेगा, जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल।
Click the show links and enjoy watching the videos.